जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे हैं और धान की आवक जोरों पर है। 1509 की बात करें, 1849 की बात करें या जो अन्य वैरायटी है उसकी बात करें, इस समय किसान जो है धान लेकर के अनाज मंडी में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इस शेड के नीचे अगर बात करें आप, इस समय आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको धान ही धान नज़र आएगी। लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही हैं, जहां पर किसान इस समय अपनी धान लेकर के पहुंच रहे हैं। क्या रेट चल रहा है धान का, वो जानने का प्रयास करेंगे। किसानों को आप देख सकते हैं इस समय यहां पर जो धान लेकर के पहुंचे हुए हैं, क्या रेट चल रहा है। एक मज़दूर अपना काम करते नज़र आ रहे हैं, धान की सफाई की जा रही है, भराई की जा रही है। और आज के जो धान के भाव हैं वो क्या हैं, किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है इस जो रेट आया हुआ है, चाहे 1509 का या अन्य जो वैरायटी है उनका, तमाम मुद्दों के साथ आज इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे हैं। और क्या कुछ कहेंगे यहां पर किसानों से बातचीत कर लेते हैं। सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र भाई राम राम, क्या कुछ कहेंगे आज अनाज मंडी में, धान के रेट क्या चल रहे हैं फिलहाल। राम राम जी, अभी जो अनाज मंडी में है 1509 धान की आवक है और इसका रेट 3,3100 से लेके 3,500-3,600 रुपये तक है जी। जो सबसे टॉप की डेरी है वो मतलब 3,500-3,600 रुपये तक जा रही है और 1509 का अब की बार मतलब अच्छा रेट है। उपज की बात करें तो उपज कितनी है, कम है? उपज तो है जी 20 से लेके 25 क्विंटल तक निकली जाती है 1509। इतनी ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि एक आधा साल लग जाता है जमींदार का इसमें। जैसे इसमें फ़ायदा होगा उतना ही इनका अब की बार मोटी में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ एरिया में तो जीरी खराब ही हो चुकी है मोटी, और बारिशों में निसरिया उसकी एवरेज भी कमी आएगी जी। जमींदार को फ़ायदा इतना नहीं है, बाकी न्यू है जिसका 1509 है, चलो 2 रुपये बढ़ जाएंगे आपकी बार। कितने वर्षों में ऐसा रेट आया है ताकि जो किसानों को बचत हो सके? ठीक था रेट तो, पिछले साल भी 1509 का ये ठीक था, उससे पिछले साल ज़्यादा डाउन था। पिछले साल भी ठीक था, अब की बार भी ठीक है। और क्योंकि बाहरी देशों में डिमांड बढ़ी है, जमींदार को तो और बच जाते, पर सरकार करती है क्योंकि एक टैक्स वगैरह लगा दिया कोई 200-300 रुपये का, तो वो जमींदार के ही रेट डाउन होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, अगर टैक्स लगाना है ना, एक बार इनकी जीरी बिक जाने दो, 2 महीने बाद जब चोल चलेगा तब लगा लो, तब अगला देश ही मतलब जो दूसरा देश है वो पे करेगा ना टैक्स, तो जमींदार से टैक्स वसूल रहे हैं, ये गलत है इनका। मतलब कि चीज़ बेचने के लिए भी टैक्स देना? बिल्कुल, ये अभी लगाया जी, जहाँ तेजी से आने लगी थी 3700-3800 रुपये तक का रेट आ गया था, साथ के साथ सरकार ने टैक्स लगा लिया। फिर जो सा टैक्स लगाया उसमें कुछ परचेजर ऐसे हैं, ये भी सोचा ही ना जमींदार ने लूट लो, उन्हें क्या कर 3200-3300 रुपये रेट ला दिया था शुरू में, फिर आराम आराम से अब 3500-3600 तक चला गया। और यही सरकार से भी यही गुजारिश है, इस टैक्स को अभी रोक दिया जाए, जब इनकी जमींदारों की बिक जाएगी अगले देश पे लगाओ ना, अपने जमींदारों पे क्यों लगाते हो, क्योंकि अपना ही तो नुकसान है उसमें। जमींदार पे वैसे ही कर्जा बहुत है, दवाइयों का खर्चा बहुत है, क्योंकि कहीं कहीं सपरे होते हैं जी, इतनी बचत नहीं है जितनी दिखाई देती है। तो यही है सरकार से भाई, जो टैक्स लगाया होगा ना उन्होंने 200-300 रुपये वो हटा ले, 2 रुपये और बन जाएंगे जमींदार। हालात कैसे हैं अभी मंडी की अगर बात करें तो? ठीक है, मंडी में कोई समस्या नहीं है, ठीक है नॉर्मल है जी। उठान को लेकर साथ के साथ उठती है जी, प्राइवेट है, प्राइवेट तो साथ के साथ उठती है, उठान में तो सरकारी समस्या आती है। जब सरकारी आएगी उस टाइम ये 3-4 दिन तो जानबूझ के नहीं उठाते, माल सड़ा देते हैं, फिर ये सेलर वालों को डंडा देते हैं, फिर माल उठता है जी। पर इसमें बारीक में नहीं समस्या आती जी, बारीक में समस्या नहीं आती। और आज इंद्री अनाज मंडी में धान की आवक आप देख सकते हैं, शेड के नीचे इस समय आप चारों तरफ अगर बात करें ढेरिये ढेरी आपको नज़र आएंगी। क्या कुछ यहाँ के भाव चल रहे हैं, आप किसान हैं? किसान है अड़ती, क्या रेट चल रहे हैं आज अनाज मंडी में धान के? यही है 3,500 से लेकर 3,600 तक। आज का जो आज का सिरा अभी 1509 का क्या है? 3,600 रुपये। अच्छा, एवरेज की अगर बात करें तो कितनी एवरेज निकल रही है? 25-26 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से। हाँ, जो धान आ रही है अच्छी क्वालिटी की आ रही है फिलहाल? हाँ, अच्छी क्वालिटी आ रही है, वही 3,600 तक लगे। नरम वगैरह या कुछ है? नरम 3,200-3,300 बिकेंगी। डिसकलर वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, फिर वहाँ तो कम रेट में बिकेंगी। कम रेट, कम डिसकलर की वजह से कम रेट हो जाता है? हाँ, डिसकलर की वजह से भी कम रेट हो जाता है। धान की आवक आप इस समय इंद्री अनाज मंडी में दे सकते हैं, मजदूरों को देख सकते हैं भराई करते नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे और आगे दिन चलते जाएंगे धान की आवक और ज़्यादा अनाज मंडी में बढ़ती जाएगी। और किसान हैं आप, धान लेकर के पहुँचे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए हैं? दृढ़ से आए हैं जी। अच्छा, तो क्या कौन सी धान लेकर के आए? 1509 जी। अच्छा, हाँ जी। क्या रेट लगी आपकी?
मेरी जी 3560 लगी है। 3560। हाँ जी, आपकी एवरेज की बात करें तो कैसी है? एवरेज अच्छी निकली है जी, निकट जाती है 25-26 क्विंटल के करीब किले गया है। हाँ जी, बीमारियों की बात करें तो बीमारी वगैरह आई होगी? नहीं, बीमारी नहीं, स्प्रे स्प्रू करवा रखी थी, एक दो स्प्रे करवाई थी, बीमारी नहीं, अब की बार कोई बीमारी नहीं आई, अच्छी जी रही थी और पकी हुई जोन सी पकी गया उसका अच्छा रेट लग रहा है, जोन से ये है कच्ची ले आएंगे उसका तो फिर रेट कम वैसे लगे ही लगेगा, फिर कह रहे हैं जिम्मेदार अपने का। हाँ जी, हाँ जी, पकी का नकी 3536 के करीब रेट लग रहा है। जल्दी भराई हो जाती है, जल्दी तुलाई? हाँ हाँ जी, हाँ जी, सारा काम जल्दी, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ टाइम से सारा काम होता है। गेट पास की अगर बात करें तो गेट पास करवा के अंदर आओ आप। हाँ जी, जब कोई भी ट्राली आती है गेट पास करवा के अंदर आना चाहिए। कुछ नहीं, लाइन लगी हुई थी, खुले आम आते हैं, सारा अपना काम करवा। मतलब किसानों को अभी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है, टाइम से अपना आके अपना सही काम, बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ जी। धान का जो सीजन है वो शुरू है, इंद्री अनाज मंडी में आप ढेरिया समय देख सकते हैं। 1509 की ज़्यादातर वैरायटी यहाँ पर देखने को बन रही है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और आवक जो धीरे धीरे बढ़ रही है, किसान धान लेकर के पहुँचना शुरू हो रहे हैं। क्या कुछ हालात हैं इंद्री अनाज मंडी के, वो भी जानने का प्रयास करेंगे, वो आगे भी ले चलेंगे कि कैसे धान की आवक है, आ रही है और कैसे परचेज हो रही है, किस तरीके से उठान की समस्या है वो नहीं है, अब सुचारू रूप से काम चल रहा है, और मंडी सेक्रेटरी से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताएंगे जो मंडी में इस समय धान की आवक शुरू है, धान का जो सीज़न है वो चल चुका है, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, इन सब बातों को लेकर के आज इंद्री अनाज मंडी में पहुँचे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। आप इंद्री अनाज मंडी से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं समय जनता हलका पर, आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। हमने इस समय मार्केट कमेटी में सचिव जो बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो कोई कहीं गए हुए हैं। लेकिन इंद्री में समय धान की आवक ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से काम जो है सुचारू रूप से भी चल रहा है, और रेट की बात करें और रेट हमने जानने का प्रयास किया अड़तियों से किसानों से कि क्या रेट बिक रही है, कितनी औसत आ रही है धान की, किस तरीके की वैरायटी आ रही है, ये सब आपको दिखाने का प्रयास किया। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री अनाज मंडी से पंकज कुमार।